नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम नीतीश की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी इन दिनों पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। मंगलवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम की मीटिंग के बाद हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और लोगों से भी एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर की तेज वापसी के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश में स्थिति वैसी नहीं है कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है। मरीजों की जांच और स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि 75,000 के लगभग कोरोना की जांच प्रतिदिन हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 1,00,000 सैंपल की प्रतिदिन जांच हो रही है। लक्ष्य पर राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन शामिल हुए। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ मिलकर मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। लॉकडाउन के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा गया है कि राज्य में हालात अभी वैसे नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। सरकार अभी विचार कर रही है। लॉकडाउन के बजाय परिस्थिति ठीक हो, इस पर सरकार काम कर रही है। बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय बढ़ाने के फैसले पर कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, राज्य सरकार ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। इनकी नियुक्ति के लिए गठित होने वाली चयन समिति और इनकी नियुक्ति संबंधित सेवा शर्त में संशोधन की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के कबाड़ की गाड़ियों को बेचने के लिए ई टेंडर मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के गठन पर स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वृद्धजनों के लिए 100 बेड, अनुमंडल में 50 बेड के 6,950 आवासन क्षमता वाले आश्रय स्थल को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 32 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विधि पदाधिकारी का एक पद, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में राजपत्र और राजपत्रित 28 पद और बिहार सूचना आयोग में 3 वाहन चालक के पद की स्वीकृति दी गई है। IIT पटना के 18 छात्र निकले कोरोना पॉजिटिव, होली की छुट्टी में गए थे घर। बिहार में एक बार फिर से कोरोना का कहर शुरू हो गया है। ताजा मामला IIT पटना से सामने आया है, जहां होली की छुट्टी के बाद घर से लौटे छात्रों में 2 छात्रों की RT-PCR जांच कोरोना पॉजिटिव आती है। सोमवार को IIT पटना के बिहटा स्थित कैंप में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जिन 2 छात्रों को कोरोना हुआ है, वे 2 दिन पहले ही कैंपस में आए थे। छात्र होली की छुट्टी में घर गए थे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनके संपर्क में आए करीब 41 छात्रों की जांच कराई गई, जिसमें 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। IIT के रजिस्ट्रार ने कोरोना पॉजिटिव सभी 15 छात्रों के साथ उस वार्ड के टोटल 41 छात्रों को आइसोलेट कर दिया है। जिस हॉस्टल में ये छात्र रह रहे थे, उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और उसे सैनिटाइज कराया गया। IIT कैंपस में 1 सप्ताह के लिए एकेडमिक सेशन सहित सारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव, बिहार पंचायत चुनाव EVM केस में नहीं हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार की देर रात एम्स पटना में भर्ती कराया गया। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना से बचाव के लिए पिछले दिनों पटना के IGIMS में वैक्सीन भी ली थी। इधर बिहार पंचायत चुनाव में EVM से कराए जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह याचिका न्यायाधीश मोहित शाह के एकलपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। पिछली सुनवाई पर जस्टिस मोहित शाह के एकलपीठ ने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को कहा था कि दोनों पक्ष मिलकर बैठकर 6 अप्रैल तक इस मामले में उचित निर्णय ले। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर दोनों पक्ष इस बीच उचित निर्णय नहीं लेते हैं, तो कोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग
चाह रहा है कि बिहार में पंचायत का चुनाव हर हाल में ईवीएम से हो। मैट्रिक के टॉपर्स को इस बार बिहार बोर्ड से क्या मिलेगा पुरस्कार? बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर्स को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB सम्मानित करेगा। टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 1,00,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई-बुक रीडर। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 75,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई-बुक रीडर। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 50,000 रुपये, 1 लैपटॉप एवं 1 किंडल ई-बुक रीडर दिया जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक में चतुर्थ से लेकर 10वें स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये एवं 1-1 लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। एक ही दिन आयोजित कार्यक्रम में बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक के टॉपर्स को पुरस्कार दिया जाएगा। 11 से 17 अप्रैल तक बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र भर सकते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म। जानिए कैसे करें आवेदन। बिहार बोर्ड मैट्रिक के रिजल्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट हैं, वे 11 से 17 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस बार मैट्रिक में 78.17% छात्रों को सफल घोषित किया गया है। हालांकि कुछ छात्र अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2021 से संतुष्ट नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक के रिजल्ट से जो भी छात्र असंतुष्ट हैं, वे 11 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 से 17 अप्रैल तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। प्रति विषय 70 रुपये इसके लिए स्टूडेंट को देने होंगे। जितने भी विषय में छात्र चाहे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए मिले आवेदनों की जांच की जाएगी। अगर किसी छात्र के रिजल्ट में संशोधन होता है तो संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अमरनाथ यात्रा 2021 के लिए बिहार के इस बैंक में पंजीयन शुरू। कोरोना संकट के कारण बाबा बर्फानी के दर्शन पर भी संकट। अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार से बिहार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की 12 शाखाओं में पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इनमें पटना के 2 ब्रांचों की पंजीयन की जिम्मेवारी दी गई है। इस बार हर ब्रांच के लिए 1,050 आवेदन फॉर्म आए हैं। सोमवार को पटना में राजा बाजार और बुद्धा कॉलोनी में 60 से अधिक लोग आवेदन पत्र लेने और जानकारी लेने के लिए बैंक की शाखा पहुंचे। गत वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा नहीं हो सकी थी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 28 जून से 22 मार्च तक चलेगी। यात्रा 56 दिनों की होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी हो सकेगा। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम रूट के लिए प्रतिदिन 25-25 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। पंजीयन शुल्क 100 रुपये ही रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक पटना प्रमंडल प्रबंधक सुधीर दलाल ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार हर ब्रांच के लिए 1,050 फॉर्म आए हैं। कार्य दिवस के दौरान पंजीयन कराया जा सकता है। उम्मीद है कि इस बार फॉर्म 1 माह में ही समाप्त हो जाएंगे। अगस्त तक तैयार हो जाएगा मधुबनी में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। PhD मंत्री ने कहा, विश्व चखेगा मिथिला का स्वाद। अंधराठाड़ी प्रखंड के मत्स्यनगर भगवतीपुर रुद्रपुर में रविवार को PhD मंत्री रामप्रीत पासवान ने मखाना प्रोसेसिंग केंद्र का शिलान्यास किया। यह यूनिट लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत लगाया जाएगा। इसकी प्रकलित राशि 3,03,00,000 रुपये है, जबकि अलग से 27,00,000 रुपया सखी संस्था की तरफ से लगाया जाएगा। मौके पर मखाना प्रोसेसिंग के डायरेक्टर दरभंगा जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, MSME अवर सचिव विवेक माथुर, MSME सेक्शन ऑफिसर ज्योति कुमारी, PPDC आगरा एलेंगो रिसर्च फाउंडेशन भोपाल के अरविंद मुगदल, DEO विजय शंकर, आयुष्मान फाउंडेशन पूर्णिया, ओपन पटना और क्राफ्टवाला संस्था के प्रतिनिधि मौजूद थे। बिहार में अब स्टोन क्रशर इकाइयों को 20 की जगह 12 फुट ऊंची दीवार बनवाना हुआ अनिवार्य। राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने दी राहत। स्टोन क्रशर इकाई के संचालन के दौरान धूलकणों को आसपास फैलने से रोकने के लिए स्टोन क्रशर इकाइयों को 12 फुट ऊंची दीवार बनवाना अनिवार्य है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने इस संबंध में 1 अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया है। इसके साथ ही जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था हेतु 4 दीवारी के साथ चारों ओर स्थायी पाइपलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि इकाई के संचालन के समय जल छिड़काव किया जा सके।
पार्षद ने 20 फुट ऊंची चारदीवारी निर्माण की शर्त के अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में स्टोन क्रशर इकाई संचालकों से प्राप्त पत्रों के आलोक में संशोधित किया है। स्टोन क्रशर इकाई के संचालन के दौरान निकलने वाले धुलकणों के आसपास फैलने से रोकने के लिए पूर्व में इकाई के चारों ओर 10 फुट ऊंची दीवार का निर्माण व जल छिड़काव करने की शर्त पर संचालनकर्ता सहमति आदेश जारी किया जाता था। बिहार में कोरोना के मरीज बढ़ने से प्लाज्मा की दोगुनी हुई मांग, इलाज हुआ मुश्किल। पटना जिले में कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के लिए प्लाज्मा की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन कोरोना से जंग जीतने वाले शहरवासी प्लाज्मा डोनेट करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। नियमों के अनुसार ब्लड बैंकों से तभी प्लाज्मा लिया जा सकता है जब किसी डोनर को बदले में प्लाज्मा दान कराने लाया जाए जो पहले संक्रमण से ठीक हो चुका है। ऐसे में लोगों को प्लाज्मा के लिए भटकना पड़ रहा है। जानकारी की माने तो मार्च व अप्रैल में कोविड के केस बढ़ने के साथ ही शहर में प्लाज्मा की डिमांड भी दोगुनी बढ़ गई है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।